ओके गाइस, देखो हमने तेल, आज हम करेले फ्राई बनाएंगे। मैंने तेल ऐड किया, हमारा ये फ्राई पैन बहुत गर्म है और हम थोड़ा सा जीरा अच्छे से ऐड करते हैं उसमें। हो गया तड़तड़ हो गया अच्छे से, और हमने लहसुन ऐड कर दिया। ओके छोटा है लहसुन भी हमारा, देखो हो गया। हरी मिर्ची इसीलिए नहीं पहले क्योंकि बहुत उड़ती है नाक में, तो हम पहले प्याज ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हरी मिर्ची ऐड किया। अब ये करी में फ्राई है, ये मैंने करी में साके से इंडिया देखा और इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया तेल में। सबको पता है धोखे काटने का और थोड़ा तेल डाल के फ्राई किया था, उसमें कुछ नहीं है। और ये आके मैं आपके पास गाइस, देखो हमने बहुत अच्छे से प्याज को हमने भुना, और देखो ये मैंने करेले भुन के रखे थे, धो के काट के भुन के रखे थे। और ये मसाला भी आपको दिखाती हूँ, ये गरम मसाला है, धनिया पाउडर, गरम मसाला मतलब जीरा वीरा सब उसमें ऐड है, लौंग मिरी। और ये मैंने हिमालय सॉल्ट लिया, हल्दी लिया और थोड़ी काला तिखट लिया क्योंकि इसमें हरी मिर्ची डाली इसलिए। और अभी आजकल मुझे ना मिर्ची थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही, इसलिए मैं मिर्ची कम ही यूज़ कर रही हूँ। आपको आपके हिसाब से आप तीखा खाते हो तो आप डाल सकते हो ज़्यादा, कोई बात नहीं। अब ये देखो हमारा ये बहुत ही अच्छा करेले हो रहा है फ्राई। और आपको तेल भी ज़्यादा अगर इससे करना है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक दिन में मुझे कोलेस्ट्रॉल बहुत है तो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है, तेल का थोड़ा खाती हूँ तो बहुत पचता नहीं है, इसीलिए मैंने तेल कम यूज़ किया है इसमें। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं करेले को। और ये देखो ये मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया। अब मेरे स्टाइल की आप ये करेले की सब्जी बनाना, आपको सच बहुत मैंने किसी को बताया था तो वो मुझे आज तक याद कर दिया, उनको पता ही नहीं था करेले की सब्जी कैसा बनाने को। हम लोग महाराष्ट्र भर के ज़्यादा बनाते हैं लेकिन ऐसे भी बनती है, अब इधर भर के कोई खाता नहीं पानी वाला, इनको सूखा चाहिए। तो देखो अभी सर्व करने वाला मुझे कुछ नहीं, कोई है ही नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस मेरे को आप ये मुझे मेरी सब्जी करेले की फ्राई कैसी हुई बताना, मुझे लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट में बताना। ओके बाय।